गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाजिर हूं अपनी एक नई क्लास के साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं आपका अपनी मैं अपने क्लास चैनल एक्सीलेंस क्लासेस में। आज आपको मैं लेट का यूज सिखाऊंगा, लेट के यूज के ट्रांसलेशन। लेट का नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि लेट का यूज कैसे किया जाएगा, कैसे होगा लेट के यूज में। तो लेट का यूज आप लोगों ने मेरे जो वीडियो लेक्चर है उसमें लेट के यूज का आपने अभी तक डायरेक्ट बनाना सीखा होगा, एक्टिव पैसिव सीखा होगा। आज लेट के यूज का मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा, वरना कोई ना कोई रूल छूट जाएगा और लेट का यूज आपके लिए जो डरावनी चीज है वो डरावनी ही बन के रह जाएगी। तो आइए चलते हैं और अपने लेट के यूज को खत्म करते हैं कि लेट का यूज कैसे किया जाता है ये जान लेते हैं। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ। लेट, लेट का अर्थ होता है करने देना और ट्रांसलेशन में लेट का यूज सीखना बहुत जरूरी होता है। तो पहले आप जान लीजिए कि लेट, लेट को किस अर्थ में यूज करते हैं। लेट को हम लोग परमिट या अलाउ के रूप में यूज करते हैं। नहीं, किसी को परमिट करना है, किसी को अलाउ करना है या किसी को कोई कार्य करने देना, वहां पे हम लोग लेट का यूज करते हैं। जैसे हो गया कि मैंने उसे पढ़ने दिया, तुमने उसे घर जाने दिया, हमने उसे यह करने दिया। तो ये सारी चीज अगर अलाउ की जा रही है काम करने के लिए तो वहां पे हम लोग लेट का यूज करेंगे। आज मैं आपको लेट के अलग अलग यूज करके कई सारे उसमें दिखाऊंगा टेंसेस में कि लेट का यूज कई सारे टेंस में किस प्रकार से किया जाता है। तो यहां पे देखिए कि लिखा है करने देने का भाव स्पष्ट होता है और लेट जो होगा सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। जैसे मैंने उसे घर जाने दिया, तो यहां पे देखिए कार्य करने देने का भाव स्पष्ट होता है, परमिशन का भाव स्पष्ट होता है। इसमें जो प्राइमरी वर्ब होती है, प्राइमरी वर्ब ये होती है लेट, और सेकेंडरी वर्ब जो होती है ये हमारी इसमें जो वर्ब लिखी है जैसे जाना, यहां पे इसमें इस सेंटेंस में जाना जो वर्ब होगा ये हमारा सेकेंडरी वर्ब में आएगा। क्लियर? अब जब प्राइमरी वर्ब में आता है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म भी होती होगी, सेकंड फॉर्म भी होती होगी, थर्ड फॉर्म भी होती होगी, या फिर चौथी यानी फोर्थ फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, या फिर हमारी जो सिंगुलर नंबर वर्ब होती होगी जिसमें एस आई एस का यूज करते हैं। तो कैसे होता है, तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो भी लेट होती है, सेकेंड भी लेट होता है और थर्ड भी फॉर्म हमें लेट के रूप में ही मिलती है। हाँ, इसकी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मिलती है वो लेटिंग के रूप में मिल जाती है, आईएनजी जोड़ते हैं तो लेटिंग के रूप में चौथी फॉर्म के रूप में हमें नजर आ जाता है, और एस या एस जोड़ने पर जो पांचवी फॉर्म आती है वो लेट्स, लेट्स हो जाती है, लेट अस वाली लेट्स नहीं, लेट्स दूसरा हो जाता है। क्लियर? तो ये मेन वर्ब का फॉर्म हो गया। तो इसे आप ध्यान रखिए कि ये हमारी जो सेंटेंस अभी ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे तो उसमें इसका यूज बहुत ही होने वाला है। तो आप इसको वर्ब की फॉर्म को ध्यान रखिएगा कि कहां पे लेट हो रहा है, कहां पे लेटिंग हो रहा है, कहां पे लेट्स हो रहा है। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं अपने जो है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल क्या होता है। ये सबसे पहले हमें होता है कि टेंस देखना है, टेंस पहचानो। सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें टेंस की पहचान करनी जरूरी है कि कौन से टेंस में सेंटेंस है हमारे पास इस समय। फिर हमें क्या करना है, दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट को एंट्री कर देना है। सब्जेक्ट लिखो दूसरे पॉइंट पे, जो सेंटेंस में ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे तो सब्जेक्ट लिखना है। अब फिर तीसरे पॉइंट पे क्या करना है, टेंस के अनुसार लेट का यूज, टेंस के अनुसार हमें लेट का यूज करना है। जैसे जो टेंस होगा उसी अनुसार उसी लेट की फॉर्म लगाई जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जैसा होगा वैसी लेट की फॉर्म लगाई जाएगी। तो टेंस के अनुसार हमें लेट की फॉर्म लगाई दे रहे हैं। ठीक है? अब चौथे कंडीशन पे सेंटेंस निगेटिव में है, जब सेंटेंस निगेटिव में है, तो सेंटेंस जब कोई भी निगेटिव होता है तब क्या करते हैं आप लोग, जिस टेंस में है उस टेंस के अनुसार उसके निगेटिव वर्ड का यूज करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, निगेटिव वर्ड का यूज टेंस के अनुसार। ठीक है?
निगेटिव वर्ड का यूज करना है, टेंस के अनुसार जो निगेटिव वर्ड होगा उसे यूज करना है, और निगेटिव वर्ड के बाद हम लोगों को वहां पे लेट का यूज करना है। क्लियर, निगेटिव वर्ड के बाद हम लोगों को लेट का यूज करना है, और फिर लेट के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मिलेगा। मतलब जो वहां पे लेट के बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है, तो मेन वर्ब में जो ऑब्जेक्टिव आएगा, जैसे मैंने उसे घर जाने दिया, तो मैंने तो यहां मेन सब्जेक्ट हो गया हमारे सामने, और जाने दिया सेकेंडरी वर्ब हो गई, तो ये उसे जो वर्ड है ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्लियर, लेट के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रोनाउन यूज करेंगे, और फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद हम लोग सेकेंडरी वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर, अब हम एक स्ट्रक्चर मैं आपके लिए लिखे दे रहा हूं, वो स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए जिसके अनुसार ये सेंटेंस हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। स्ट्रक्चर मैं यही लिखे दे रहा हूं कि सब्जेक्ट हो जाएगा हमारे सामने, फिर आ जाएगा लेट का यूज, यही तो बताया है लेट का यूज। अगर निगेटिव नहीं है तो लेट, अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद वो निगेटिव वर्ड, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव वर्ड क्या होता है, डू नॉट, या फिर कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, इज एम आर के बाद नॉट का यूज करते, उसी प्रकार से निगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के बाद यूज होगा, उसके बाद लेट आएगा। अगर निगेटिव नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें लेट मिल जाएगा। फिर हमें क्या मिलना है, फिर यहां मिलना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो आएगा हमारे सामने, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो आएगा, इसके बाद हमें क्या लेना है, सेकेंडरी वर्ब लेनी है, सेकेंडरी वर्ब यानी जो उसमें मेन वर्ब के रूप में दिखाई दे रही होगी, वो मेन वर्ब नहीं हो, सेकेंडरी वर्ब वहां होगी। सेंटेंस को भी जब भी ट्रांसलेट करना हो ध्यान रखिए कि जो मेन वर्ब के रूप में आपको नजर आ रहा हो वो मेन वर्ब ना होकर वहां पे वो सेकेंडरी वर्ब होता है, तो उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद यूज करते हैं। क्लियर, और ये जो सेकेंडरी वर्ब होगी ये हमेशा ध्यान रखिए सेकेंडरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी, ना इसका सेकंड होगा ना थर्ड होगा, कोई चीज नहीं होगी। जब भी सेकेंडरी वर्ब लिखी जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंडरी वर्ब ये फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, इस बात को ध्यान रखिए। सेकेंडरी वर्ब के बाद ये यहां पे सिक्स नंबर पॉइंट पे मैं एंट्री के दे रहा हूं, सेकेंडरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। क्लियर, तो उम्मीद है ये ट्रांसलेशन करने का जो तैयारी थी ये तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है, तो इन तैयारियों के बारे में आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं कुछ सेंटेंस लेते हैं और उसको इंग्लिश में आराम से ट्रांसलेट करते हैं। तो ये देखिए सेंटेंस लिखा है, मैं उसे जाने देता हूं, अर्थात देखा कि कोई कार्य किसी द्वारा करवाया जाता है कि मैं उसे जाने देता हूं। तो यहां पर देखिए पहले हमने क्या बताया कि पहले टेंस को पहचानिए, ताहू अर्थात ये हमारा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, तो मैं उसे तो क्या बताया कि मैं, यानी कि पहले आपको आई लगाना है, सब्जेक्ट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है आपको लेट का यूज करना है टेंस के अकॉर्डिंग। तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में क्या बताया गया है कि आई बी यू दे के साथ यस आई एस नहीं लगाया जाता, तो यहां पे आई है तो और ये प्रेजेंट इंडिफरेंट, अर्थात यहां पे हम लोग खाली लेट का यूज कर लेंगे, आई लेट, और फिर क्या बताया था ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसे है तो हिम, आई लेट हिम, और उसके बाद मैंने क्या बताया सेकेंडरी वर्ब आपको वहां पर फर्स्ट फॉर्म में लिखी है जाने देने की, गो, आई लेट हिम गो। क्लियर आ रहा है कि हमारे सामने वह मुझे खेलने नहीं देता है, ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये है नहीं अर्थात निगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा वह मतलब ही, और ही के बाद निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बनता है, डज नॉट, इट डज नॉट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे लेट का यूज, इट डज नॉट लेट, और मुझे है मतलब मी, और फिर खेलने देना, खेलने मतलब प्ले, इट डज नॉट लेट मी प्ले। क्लियर, हमने उसको घर के अंदर आने दिया, तो यहां पे हो जाएगा कि आपको ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, अर्थात यहां पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, तो हमने यानी कि वी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लेट की सेकंड फॉर्म क्या बताया लेट ही होगी, तो वी लेट, और उसके बाद उसको लेट हिम, और आने दिया कम इन, और कहां पे घर के अंदर, कम इन द हाउस या होम, कम इन द होम। अब अगला सेंटेंस लेते हैं हम लोग,
तो अगला सेंटेंस हमारे सामने है, डॉक्टर मरीज से मिलने नहीं देता है। तो द डॉक्टर अब नहीं दे रहा है, मतलब ये निगेटिव है, कॉन्टिन्यूअस है और भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इज नॉट। अब क्या है, अब आपको लेट का यूज करना है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज करेंगे, लेट के साथ आईएनजी यूज करेंगे, तो लेट के साथ आईएनजी लगाएंगे लेटिंग। और फिर क्या करेंगे हम लोग, वो वहां पे जो ऑब्जेक्टिव केस में होगा प्रोनाउन या नाउन जो होगा मरीज से, लेटिंग द पेशेंट, और फिर मिलने देने का मतलब मीट। क्लियर, अगला सेंटेंस लेते हैं हम लोग, तुमुल उसे जाने नहीं देगा, देगा अर्थात ये हमारा चला गया फ्यूचर में, और ये फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा कि तुमुल विल नॉट के बाद हम लोग यूज करेंगे लेट का, विल नॉट लेट, उसके बाद उसे के लिए हिम लगाएंगे, और उसके बाद जाने देना गो। क्लियर, कि तुमुल विल नॉट लेट हिम गो। क्लियर, अब इसे लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग इसके आगे कोई और सेंटेंस लेते हैं जिससे ये आसान हो जाएगा। और अगला सेंटेंस लिए कि तुमने उसे क्यों जाने दिया, क्वेश्चन सेंटेंस है कि क्यों जाने दिया, अर्थात ये पास्ट टेंस में है, तो और क्यों लिखा हुआ है, तो व्हाई हम लोग सबसे पहले लगाएंगे, और पास्ट टेंस में है तो डिड का यूज कर लेंगे, व्हाई डिड, अब तुमने है यू, व्हाई डिड यू, अब इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज तो शुरू में ही कर चुके हैं, डिड का यूज, अब हमें आप मेन वर्ब का यूज करेंगे अर्थात लेट का यूज करेंगे, व्हाई डिड यू लेट, अब उसे है तो हिम लगाएंगे, लेट हिम गो। क्लियर, कि व्हाई डिड यू लेट हिम गो। अगला सेंटेंस लेते हैं, अगला सेंटेंस लिया कि आपको रजत को बोलने देना चाहिए था, चाहिए था मतलब शुड का यूज, शुड का यूज एक वीडियो लेक्चर सेपरेट आपको आ चुका है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं कि शुड का यूज कहां कहां कैसे कैसे किया था, यहां देखिए कि चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपको, यानी कि यू शुड, शुड का यूज कीजिए, यू शुड, और उसके बाद लेट रजत स्पीक। क्लियर, कि यू शुड लेट रजत स्पीक, आपको रजत को बोलने देना चाहिए था। अगला एग्जांपल लेते हैं, तो यहां देखिए कि वह मुझे शराब कभी पीने नहीं देगा, कभी नहीं अर्थात हमें नेवर का यूज करना है, और गा गी गे है अर्थात सेंटेंस फ्यूचर में है, तो क्या करना है कि ही विल, अब कभी नहीं है तो नेवर का यूज कीजिए, ही विल नेवर लेट, अब मुझे मी लेट मी, अब शराब पीना अर्थात कंज्यूम द वाइन, He will never let me consume the wine. वो मुझे कभी शराब पीने नहीं देगा। अगर आप कंज्यूम वर्ड नहीं जानते तो कंज्यूम की जगह आप ड्रिंक भी लिख सकते हैं, ये भी सही कर दिया जाएगा। क्लियर, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आप मुझे सोचने तक वक्त नहीं देते, मतलब सोचने तक नहीं देते, तो यहां पे क्या हो जाएगा यू, अब देते मतलब यहां पे हो गया कि जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अगर आपको यहां पे देते हैं इसमें कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो आप मुझे सोचने तक नहीं देते हैं, तो यू डू नॉट, अब डू नॉट के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट का यूज करेंगे, नहीं लेट के पहले एक वर्ड और डालेंगे, लेट के पहले वर्ड क्या डालेंगे, तक की अंग्रेजी इवन, तक कहीं भी अगर आ रहा हो तो आप इवन का यूज जरूर कीजिए, कि यू डू नॉट इवन लेट, और फिर मुझे मी थिंक, यू डू नॉट लेट इवन लेट मी थिंक। क्लियर, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगला एग्जाम्पल है क्या आप मुझे दो मिनट चैन की सांस लेने देंगे, तो यहां पे हो जाएगा क्या लिखा हुआ है, अर्थात ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, तो ये हो जाएगा उड, आगे हो जाएगा उड का यूज है, उड के यूज में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, जल्दी इसका एक वीडियो लेक्चर आने वाला है, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वुड का यूज कहां कहां कितने प्रकार से किया जाता है। अब इतना आप जान लीजिए कि एक समरी दे रहा हूं कि वुड कुल 20 प्रकार से यूज किया जा सकता है, वुड का यूज सब 20 प्रकार के सेंटेंसेस में किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है आने वाले वीडियो लेक्चर में देखिएगा। तो अभी आप यहां जान लीजिए क्या यहां पर वुड होगा, और वुड यू प्लीज, अब यहां पर होगा लेट का यूज,
लेट मी। अब चैन की सांस लेना, इसका तीन प्रकार से आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, जिसे हो जाएगा हमारे सामने कि टेक ए साई ऑफ रिलीफ, टेक ए साई ऑफ रिलीफ, इसको लिख दीजिए, हम लोग लिख देते हैं टेक अ साई ऑफ रिलीफ। तो टेक ए साई ऑफ रिलीफ एक तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ इसे लिख सकते हैं, या फिर ब्रीद ना लिखना चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हैं हीव अ साई ऑफ रिलीफ। नहीं अगर दिख रहा होगा तो अभी जान लीजिए कि टेक की जगह आप ब्रीथ लगा सकते हैं, ब्रीथ की जगह और ब्रीथ ना लगाकर आप हीप का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ब्रीथ या हीप, टेक की जगह पे आप दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो यहां मैंने इसके लिए लिख दिया कि ब्रीथ और हीप, यहां पे इस जगह पे टेक की जगह यूज कर सकते हैं। तो टेक अ साई ऑफ रिलीफ या ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ या हीप अ साई ऑफ रिलीफ। अब फिर दो मिनट, फॉर टू मिनट्स, क्लियर? तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई होगी, तो इसे लिख लीजिए, फिर आप उसको सेंटेंस लेता हूं आपके लिए। तो अगला सेंटेंस लिया कि मुझे पता लगाने दो कि वो कौन है। यहां पे सेंटेंस आपको मिल जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि पहले आपको वर्ब से स्टार्ट करना रहता है, तो क्या हो जाएगा, लेट मी फाइंड आउट, मुझे पता लगाने दो। यहां देखिए सेंटेंस वैसे ही बना है कि पहले लेट का यूज किया, क्योंकि वर्ब इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, मेन सब्जेक्ट, तो लेट का यूज किया मेन वर्ब, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज मिल गया, और उसके बाद आपको सेकेंडरी वर्ब मिल गई कि लेट मी फाइंड आउट वो कौन है, वो कौन है, तो हु दे आर, हु दे आर, क्लियर? कि लेट मी फाइंड आउट हु दे आर, मुझे पता लगाने दो कि वो कौन है। अगला सेंटेंस लिया कि मुझे देखने दो कि वो कहां है। तो इस चीज आप ध्यान रखिए कि दोनों सेंटेंस आपको देखने में लग रहा है कौन और कहां, एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, इसीलिए इनके बाद पूर्ण विराम लग रहा है। इसको देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगा रही, क्वेश्चन मार्क में पूर्ण विराम लगे मतलब फुल स्टॉप लगेगा इसलिए, क्योंकि एक स्टेटमेंट है ये। तो मुझे देखने दो कि वो कहां है, तो यहां पे देखिए ये भी इंप्रेसिव है, तो ये क्या हो जाएगा, लेट मी सी, लेट मी सी वो कहां है, तो वेयर ही इज, लेट मी सी वेयर ही इज। अरे सर हमने कि वह मुझे फल खाने देता है, ता है अर्थात प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, तो क्या होगा ही, और ही के बाद हम लोग लगाए लेट, अभी निगेटिव तो है नहीं, और ही लगाए अर्थात इसके साथ एस का यूज होगा, ही लेट्स, और फिर मुझे मी, और फिर दिखाना मतलब ईट, और फिर फ्रूट, ही लेट मी, ही लेट्स मी ईट फ्रूट, क्लियर? अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लिया कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, तो मैं आपको आई, और फिर क्या है, आई के साथ आप लोग क्या यूज करेंगे, शैल का यूज करते हैं, लेकिन यहां शैल नहीं विल लगाया जाएगा, क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि यहां पे जो कार्य है, जो यहां की इच्छा है, वो दृढ़ता दिखाई दे रही है कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए मैं आपको जाने नहीं दूंगा, तो आई विल नॉट लेट यू गो, क्लियर? कि आई विल नॉट लेट यू गो। अगला सेंटेंस लेते हैं, अब यहां देखिए कि मैं उसे अपने साथ खेलने देता था, अब खेलने देता था मतलब यहां पे आदत दिखाई जा रही है, तो आदत दिखाई है, तो आदत के लिए क्या बताया पास्ट टेंस में, यूज्ड टू का प्रयोग कीजिए आप लोग, तो क्या होगा, आई यूज्ड टू लेट उसे हिम प्ले, खेलने देना, और किसके साथ, अपने साथ, विद मी, क्लियर? कि ही I used to let him play with me. Clear? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में जितना भी मैंने लेट से संबंधित सेंटेंस आपको दिख लिखाया है,
जितना भी लेट से संबंधित सेंटेंस के रूल आपको समझाने की कोशिश की है वो आपने लिख लिए होंगे और अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, कहीं कोई डाउट रहता आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में आए अपनी क्वेरी छोड़िए, निश्चित ही अगले वीडियो लेक्चर में उस क्वेरी का जवाब मैं दे दूंगा। और यदि आपको लेट से संबंधित और भी सेंटेंस आपको चाहिए होंगे तो कमेंट कीजिएगा और भी सेंटेंस आपको लेट से संबंधित मैं ट्रांसलेट करवा दूंगा, जिससे आपके दिमाग में जो लेट का जो डर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों तक इस लेट के यूज़ का पूरा तरीका पहुँच। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।